DHM Music presents. DHM Music presents. की बताया, रानी रूपवती बहुत बीमार थी और उनके महल के सामने एक पेड़ था। उस पेड़ पे एक चिड़े और चिड़िया का घोंसला था। रानी सामने से देख रही थी। एक दिन उस चिड़े की चिड़िया मर जाती हैं। जो चिड़िया मर जाती है उसके दो बच्चे थे। चिड़ा दूसरी शादी करके दूसरी चिड़िया को घर में ले आया और जब दूसरी चिड़िया आई तो बच्चों को चोंच मार के घोंसले से नीचे गिरा दिए, दोनों बच्चे घायल कर दिए। उधर रानी ने सोचा कि जो हादसा आज मैंने दिन में देखा है, अगर यही हादसा तेरे बच्चों के साथ हो गया तो तेरे बच्चे तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। राजा खड़क सिंह को अपने महलों में बुलाया और कहने लगी, महाराज आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं काफी समय से बीमार चल रही हूँ। पता नहीं कि कब मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही कहना चाहती हूं महाराज कि आज दिन में मैंने एक हादसा देखा, वो हादसा मेरे बच्चों के साथ ना हो जाए। क्या बताती है राजा खड़क सिंह को रानी रूपवती, आइए इस रागनी के माध्यम से। और न्यू कहने लगी रानी, बोलिए चिड़ी के दो बच्चे थे, वो साक दूसरी ने मार दिए। मैं मर गई ते मेरे बच्चों ने मतना दुख मारे तार दिए, मतना दुख मारे तार दिए। एक चिड़ी के दो बच्चे थे, एक चिड़ी के दो बच्चे थे, वो सांप दूसरी ने मार दिए। मैं मर गई ते मेरे बच्चों ने मतना दुख मारे कि आज मैंने दिन में कुछ देखा। क्या देखा अपनी आंखों से, क्या समझान लगी बोला। हर एक चिड़े की चिड़िया मर गई, एक चिड़े की चिड़िया मर गई, दूजी लाया ब्याह के, देख के बच्चे आग लागी, बैठ गई गम खा के। चिड़ा बाहर ने चला गया, उस चिड़िया ने समझा के, उस पापण ने दोनों बच्चे तले घेर दिए। मतना दुख भर तार दिए, मतना दुख।
और इस रूप बसंत के किस्से की रागनी पे खुश होकर आदरणीय वीरपाल राव जी राव स्टार म्यूजिक कंपनी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दूसरी लाइनों में न्यू कहने लगी, महाराज आपके 2 बेटे दिए हैं भगवान ने, अरे आपको और क्या चाहिए? अगर मैं मर गई, मेरे मरने के बाद दूसरी शादी मत करना महाराज, अपने बच्चों के लाड करना और उनको माँ की कमी कभी महसूस मत होने देना। क्या कहती है रानी? हेरे मैं मर गई ते मेरे पिया मत, मैं मर गई ते मेरे पिया मत, दूजा ब्याह करवाइए चाहे स्वर्ग की हूर मिले मत, शोक दूसरी लइए। 2 बेटे तेरे दिए राम ने और तने के चाहिए, रूप बसंत की जोड़ी ने मेरे साजन मत दम कहिए रे, साजन मत दम कहिए। महाराज मैं अच्छी तरह जानती हूं कि अगर किसी बच्चों की मां मर जाए तो वो बच्चे बिना मां के ऐसे ही वीरान हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मुझे याद करना चाहोगे तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे बच्चों को कभी दुख मत देना महाराज। क्या कहती हैं कि बिना माता के बच्चे कैसे इस दुनिया में फिरते हैं? क्या लिखा? हेरे बिन माता के बालक पिया, बिन माता के बालक पिया, गोड़ा के मा फिरा करे, कोए मार दे कोए धमका दे, हीना ते भी डरिया करे, 9 करोड़ के लाल रेत में, हेरे 9 करोड़ के लाल रेत में बिन जोहरी के दरा करे, दर दर हंडे दर दर हंडे, भीख मांगते झूठे कूटे चरिया करे, झूठे कूटे चरिया करे, हेरे मरी हुई ने याद करे, मरी हुई
विवेक था, जितनी मेरी अंदर बुद्धि थी उतना मैंने आपको समझाया। आगे आपकी मर्जी है महाराज कि आपको क्या करना है क्या नहीं। रानी का अंतिम समय आ गया प्रेमी श्रोताओं, और राजा को समझाते समझाते पैर पसार देती है। क्या लिखा पंडित मांगेराम जी ने, ओ भाई हेरे तन मन धन ते समझा चाली, तन मन धन ते समझा चाली, जानू तेरी तासीर पिया मेरी करनी, मेरे आगे आगे तेरी तकदीर पिया, दुखियारी बन रोऊं सु मेरे नैना बरसे नीर पिया, लक्ष्मी चंद मेरी बात मान ले आ गया वक्त आखिर पिया, ओ आखिर पिया, श्री मांगे राम ते इतनी कह के, मांगे राम ते इतनी कह के, रानी ने पैर पसार लिए, मर गई थे मेरे बच्चों ने करना चाहता है, उसका नाम है DHM Music। अरे आप लोगों का ही चैनल है, इसे जरा प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस चैनल को लाइक भी करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। आप मुझे मेरी आवाज सुन के समझ गए होंगे, मुझे मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं, शंकर।